दोस्तों, आपने शेषनाग के बारे में केवल किस्से और कहानियों में सुना होगा, परंतु आज हम आपको इस वीडियो में साक्षात सात मुंह वाले सांप के दर्शन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, शेषनाग का जिक्र अक्सर पुराणों की कहानियों में जरूर आता है, इन्हें भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, लेकिन आज तक असल दुनिया में सात मुंह वाला शेषनाग शायद ही किसी ने देखा हो। लेकिन हरियाणा के पलवल गांव में पिछले दिनों लोगों को एक मंदिर के नजदीक खेत से सात मुंह वाले सांप की कैंचुली मिली है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहां के लोगों ने ठीक 6 दिन बाद ही फिर से साक्षात सात मुंह वाले सांप के दर्शन भी किए। जी हाँ, इन गाँव वालों ने सात मुंह वाले शेषनाग के दर्शन किए। लोगों ने जहां सात मुंह वाला सांप देखा तो वहीं एक शेषनाग की प्रतिमा रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर उन्हें शेषनाग जी के दर्शन हुए हैं, वहां विशेष शक्तियां मौजूद हैं। इसी कारण यहां जल्द मंदिर निर्माण की भी बात चल रही है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। भगवान शिव की इस कथा के बारे में हमें जरूर बताइएगा।